दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन हेल्थ आईडी कार्ड योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत आप यहां पर अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है और हाल ही में इस योजना का ऐलान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। दोस्तों, इस योजना की वेबसाइट भी लाइव कर दी गई है। अगर आप इस आईडी कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपने घर बैठे इस हेल्थ आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये हेल्थ आईडी कार्ड क्या है, इसके क्या फिट है और इसको क्यों हमारे लिए बनवाना जरूरी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, आप इस हेल्थ आईडी कार्ड को बिल्कुल फ्री में इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन बना सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। दोस्तों, इस हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में ज्यादा जानने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आप अपने मोबाइल में, फिर आप अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यूआरएल में टाइप कर देना है healthid.ndhm.gov.in। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे। आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, आप यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसके कुछ बेनिफिट और इसके कुछ इस्तेमाल, जो इसका क्यों जरूरी है ये हेल्थ आईडी कार्ड हमारे लिए, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये हेल्थ आईडी कार्ड हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई एक योजना है, जिसके तहत आपकी जो भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक जितने भी आप चेकअप कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी आपकी दवाइयां चलती हैं, जो भी आपके ट्रीटमेंट होते हैं, सारे इस पर एक सेव हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके का ऑनलाइन रिकॉर्ड सेव करने वाला एक पाथ बन जाता है, जहां पर आप बचपन से लेकर आपके जो भी टीके लगते हैं, जो भी आपकी मेडिसिन चलती है या जो भी आपके चेकअप होते हैं, वो सारे इस पर सेव होते रहते हैं। दोस्तों, इससे फायदा ये होता है कि आपको फिजिकल पेपर कैरी नहीं करना पड़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई फिजिकल पेपर, आपके डॉक्टर्स के पर्चे या जांचें खो जाती हैं, तो आप इस हेल्थ आईडी कार्ड से अपनी सारी बचपन से लेकर और जब तक आपने ट्रीटमेंट कराया तब तक के सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि आप जिस भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने गए होते हैं, उसको इस हेल्थ आईडी कार्ड से ये पता चल जाता है कि आपने पिछले वर्षों में किस किस बीमारियों से अपना इलाज कराया है, किस किस बीमारियों में आप जूझ चुके हैं, कौन कौन सी दवाइयां आपकी चल चुकी हैं। और दोस्तों, बार बार आपको खून की जांच वगैरह भी नहीं कराना पड़ती है, जो कि आपके इस डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पर सेव रहती है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड या फिर एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई ये योजना है। हम लोग अपना फिजिकल पेपर रिकॉर्ड इतने ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रख सकते हैं, या तो वो भीग जाते हैं या फिर कहीं खो जाते हैं, तो इसलिए इस कार्ड का होना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। फ्यूचर अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इस हेल्थ आईडी कार्ड को डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेसी की, तो ये आपके रिकॉर्ड का पूरी तरीके से प्राइवेट रखता है और किसी को भी आपका रिकॉर्ड शेयर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर इनरोलमेंट करके दिखाते हैं कि ये हेल्थ आईडी कार्ड हमको कैसे बनाना है। तो सिंपली क्रिएट योर हेल्थ आईडी कार्ड नाउ वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक
क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने जिन जिन प्रदेशों में ये योजना अभी शुरू कर दी गई है उन उन प्रदेशों के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों ये योजना हाल ही में शुरू हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका ऐलान किया है। दोस्तों हल्के हल्के ये पूरे भारत में शुरू हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो सिंपली हमको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरेट वीआ आधार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड से इसको लॉग इन करना चाहते हैं तब आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे आधार कार्ड से करने के लिए आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल नंबर से इसको करना चाहते हैं, इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो नीचे क्रिएटिंग हेल्थ आईडी कार्ड क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम यहां पर मोबाइल से बनाकर आपको दिखाते हैं। तो यहां पर क्लिक करने के बाद जनरेट वीआ मोबाइल पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपको अपने 10 अंकों का जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दें। आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्री का ऑप्शन आता है, इस पर आपको टिक करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों ओटीपी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर ओटीपी आने के बाद हमको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर एक यूनिक हेल्थ आईडी हमको सेट कर लेना है, पासवर्ड सेट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट वगैरह, जेंडर वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलिए हम इसको फटाफट सबमिट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा ये हेल्थ आईडी कार्ड यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। दोस्तों ये आईडी कार्ड हम इसको प्रिंट करके रख भी सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फोटो अभी तक नहीं आया है। दोस्तों इस फोटो को हमें अपलोड करना है तो सिंपली एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक हियर क्लिक टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फोटो हमारा पड़ा हुआ है तो सिंपली हम उस फोटो को क्लिक करके इस पर अपलोड कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमारा फोटो आ चुका है और नीचे जाने के बाद सिंपली हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो भी इस आईडी पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हेल्थ आईडी भी मिल जाती है जिसको आप लिख कर भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट भी निकाल कर और इसका लेमिनेशन करा के आप अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों अब जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर इस हेल्थ आईडी कार्ड का या फिर ये क्यूआर कोड या फिर आप यहां पर हेल्थ आईडी ये फरहान एट द रेट NDHM इसको या फिर ये हेल्थ आईडी नंबर जो भी आप देते हैं उस डॉक्टर को, तो जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपकी जांच हुई है, वो सारी चीजें इस पर अपलोड हो जाएंगी, वो डॉक्टर इस पर अपलोड कर देगा। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर डॉक्टर के पास किसी के पास इलाज कराने जाते हैं तो वो इस हेल्थ आईडी को, इस हेल्थ आईडी का नंबर डाल के आपके सारे रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा और जो भी आपका ट्रीटमेंट करेगा वो सारे ट्रीटमेंट और रिकॉर्ड्स इस आईडी पर जो है अपलोड कर देगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड का, तो सिंपली आप डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद आप इसका लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं और आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नई योजना है और इस हेल्थ आईडी कार्ड को बनवाना हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि हम अपना रिकॉर्ड जरूर सेव रखें, इन फ्यूचर अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर को हम इस हेल्थ कार्ड को दिखाकर अपने पीछे की जो भी बीमारी है, जो भी हमारी दवाएं चली है, डॉक्टर हमारी सारी जानकारी निकाल लें कि ये जो पेशेंट है वो पीछे किस किस बीमारी से जूझ चुका है और कौन कौन सी दवाएं और कौन कौन से चेकअप इसके हो चुके हैं। दोस्तों हमारे पास जो फिजिकल पेपर है वो गुम हो जाते हैं लेकिन ये हेल्थ आईडी कार्ड जो है ये डिजिटल जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सेव रखता है और आईडी कार्ड हमारे सारे
सारे हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली सेव रखता है और कहीं भी कभी भी हम अपने हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो डॉक्टर हमारे हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी नई नई योजनाएं और टेक्निकल वीडियोस और बहुत सारे अनबॉक्सिंग एंड अर्निंग वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।